2024 ICSE के ICSE और ISC एन आई के बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर कैसे होंगे इसको लेकर जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है मैं स्क्रीन पर दिखला दे रहा हूँ पहले आप प्रूफ देख लीजिए कि टेस्ट पेपर नॉज़ द टीचर मोर एनालिटिकल क्वेश्चंस इन आई सी ISC एन आई मतलब अधिक से अधिक एनालिटिकल क्वेश्चन को लेकर आई सी ISC एन आई के क्वेश्चन पेपर को सेट किए जा रहे हैं और पूरे रिपोर्ट को हम लोग देख लेते हैं सीधी सीधी बात है यह रिपोर्ट है जो प्रिंसिपलों की आईसीएससी के साथ मीटिंग हुई हो होगी या प्रिंसिपलों को जिस तरह से पता चली है उन्होंने बताया है कि क्वेश्चन पेपर में चेंजेज है 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन में एनालिटिकल क्वेश्चन पेपर को बढ़ाया जा रहा है और यह चेंजेज आईसीएस एंड आई के सभी स्टूडेंट 2024 के बोर्ड एग्जामी और इवन स्कूली लेवल के एग्जामी के लिए हाफ ईयरली जो 2023 में इस समय है उनमें भी ये परिवर्तन होगा और इसको लेकर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मतलब कि आपके थॉट बेस्ड क्वेश्चन या क्वेश्चंस जो इस तरह के हैं जिसमें कि स्टूडेंट को उनके अपने थॉट्स या आइडियाज इम्पॉर्टेंट हो जा रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देख लीजिए इस क्वेश्चंस को या फिर इस क्वेश्चंस को तो इस तरह के क्वेश्चंस है इसको पूछे जाने हैं काउंसिल ने साफ साफ कहा है कि आईसीसी टेंथ और ट्वेल्थ 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन में स्मॉल इंक्रीज देखने को मिलेगा परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन पेपर लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस जैसे कि और भी क्वेश्चंस मैं दिखला रहा था नोमेरिकल्स में ये वाला क्वेश्चंस आप देख लीजिए जो कि मैंने खुद से निकाला हुआ है इस वाले क्वेश्चन को देख लीजिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को तो इस तरह के क्वेश्चंस को बढ़ा दिया है और यह प्रोग्रेसिवली इंक्रीज किया जा रहा है सबसिक्वेंट ईयर मतलब 2024 में और 2025 में मैंने कल भी बताया है कि जिस तरह से बदलाव किए जा रहे हैं उसमें ये चेंजेस देखने को मिलेगा काउंसिल ने साफ कहा है कि ये ट्रांजिशन पीरियड है और एनालिटिकल क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को बढ़ा दिया जाएगा अब कहा यह जा रहा है कि जितने भी सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं या स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं सी के जो आई सी एस आई एस के बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर देखते हैं वो कहते हैं कि आप जो भी सैंपल पेपर बना रहे हैं तो किसी अच्छे पब्लिकेशन के सैंपल पेपर को बनाइए अब अच्छे पब्लिकेशन के सैंपल पेपर का मतलब यह है कि कोई भी सैंपल पेपर जो आप बना रहे हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि सर्टेन परसेंटेज ऑफ एनालिटिकल एंड क्रिटिकल क्वेश्चंस होने चाहिए तो मुझे मैंने तो इस बुक को पढ़ा और इस बुक के हिसाब से है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया वहां पर किसी भी क्वेश्चन पेपर के जो थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे या फिर कंसेप्ट उसके होने चाहिए टू प्रिपेयर स्टूडेंट बेटर फॉर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देयर इज टेंडेंसी वॉन्ग टीचर्स एंड स्टूडेंट टू इनक्लाइड वर्ड स्टैंडर्ड मंथली प्रैक्टिस एंड सच क्वेश्चन में जाए, चूंकि वो सवाल ग्गल बुक्स का पब्लिकेशन का है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि वी हैव आस्ट टीचर नॉट टू डू अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन अब यहां पर है कि स्टूडेंट के लिए जो भी एम सी क्यू बेस्ट क्वेश्चन है उनमें भी थॉट और कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंटेशन होना है अगर उनमें थॉट और एप्लीकेशन के इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने हैं इसका मतलब है कि गड़बड़ है और यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख लीजिए साफ साफ कहा जा रहा है कि स्टूडेंट ऑफ क्लास टेंथ एंड क्लास ट्वेल्थ एक्सचेंज तो क्वेश्चन पेपर फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स एंड चूज अ वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चन बैंक और मंथली क्वेश्चन टेस्ट मैंने इस बुक को रिकमेंड किया यहाँ पर बताया जा रहा है फॉर एग्जाम्पल यदि स्टूडेंट को कहा जा रहा है कि अगर इन्होंने एग्जाम को लेकर टीचर और उसके एक्सपीरियंस्ड क्वेश्चन को बताए जाते हैं तो यह काफी बेहतर होगा और स्टूडेंट को कंसेप्ट भी चाहिए देखिए बुक में यहाँ पर है एक चैप्टर को लेकर यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो ज्यादा होंगे और ग्रेजुअल इंक्रीज ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए टीचर्स आर प्रिपेयरिंग एम सी क्यू क्वेश्चन मैं बार बार आपको दिखला रहा था एम सी क्यू क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि एम सी क्यू क्वेश्चन में कंसेपचुअल क्वेश्चन को डालने होंगे और एम सी क्यू चैलेंजिंग है क्यों चैलेंजिंग है क्योंकि इस तरह से काउंसिल के स्पेशमेंट जो सैंपल पेपर जिसका सोल्यूशन है और उसके आधार पर कम से कम दस सैंपल पेपर इसमें दिए गए इस बुक में और यह कहता है कि काउंसिल के स्पेशमेंट सैंपल पेपर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर के बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से ही आपको मिलने चाहिए तो इसका आप अंत पाठ भी देखेंगे और समर्थ अच्छा लगे इस वीडियो को तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी